हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों कल शाम को मैं सोशल साइंस का ही क्लास चला रहा था तो अचानक तेज़ बारिश होने लगी और साथ में बिजली भी गरज रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर पढ़ाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी तो मौसम ख़राब था, तो मैंने लाइव क्लास को कट कर दिया था। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बता पाया था उतना बता पाया और आज इस वीडियो में उससे आगे मैं बता देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और इस प्रश्नों को भी याद कर लीजिए क्योंकि उसी सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। ठीक है, तो एकदम आप लोग एकदम रट लीजिएगा इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो यहाँ पर 56 का हम लोग सही उत्तर देने का क्या कहेंगे, 1986। क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1986 ईस्वी में हुआ था। सब लोग याद रखना 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण कब हुआ। एक्चुअल में गोलघर पटना में स्थित है, बिहार में पटना में स्थित है गोलघर। ठीक है, तो गोलघर का निर्माण किस सन में हुआ था, तो सही उत्तर होगा सी नंबर, 1776 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। सब लोग याद रखना 1776 ईस्वी में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो 58 का हम लोग सही उत्तर देंगे, ऑप्शन नंबर उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी के पास पीडीएफ पहुँचा सकूँ, जो भी मतलब कि पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 59 नंबर आपका प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। देखिए दास कैपिटल नामक एक पुस्तक थी जिन्होंने कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। ठीक है, दास कैपिटल, और साथ में एक और था जिसका नाम था मैनुफैक्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनुफैक्टो, तो बी और सी दोनों होगा। इसका मतलब कि आपका आंसर होगा ये डी नंबर वाला। ठीक है, बी और सी दोनों होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में किस संस्था में दी गई है, मतलब किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। 60 का सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर होगा, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होता है वो कितने वर्षों का होता है, 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, सबको पता होगा, जैसे कि कोई भी मुखिया पद हो, CM हो, PM हो, उन सभी का चुनाव कितने सालों का गैप देकर होती है, यानी कि 5 साल का होती है। ठीक है, 5 साल के बाद फिर नए CM को चुना जाता है, चाहे वो CM दोबारा बने या फिर ना बने, लेकिन 5 साल के बाद फिर से चुनाव होती है, 5 साल पर। ठीक है, अब देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो 62 का हम लोग सही उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी को देंगे, चुनाव आयोग करता है। ठीक है, और जो लोग हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं जाकर डाउनलोड कर लेना है, स्टडी प्लस के नाम से है, प्ले स्टोर में उपलब्ध है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस ऐप के थ्रू आप डेली सुबह शाम टेस्ट दे सकते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप जाकर सबमिट करके रिजल्ट वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, हमारे बिहार राज्य से ही झारखंड को अलग किया गया था। ठीक है, तो बता सकते हैं आप 63 का आंसर क्या होगा, 63 का आंसर सी होगा 2000 ईस्वी में। आखिर में सब में दिया है 1 नवंबर 9 नवंबर 15 नवंबर 15 नवंबर, देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, यानी गठन हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, कितनी मतलब कि उसमें भाषा को स्थान हम लोग देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 64 का आंसर होगा आपका बी नंबर, 22 भाषाओं को। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है 65 नंबर, 65 नंबर प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या होता है, तो इनमें सभी हो जाएगा, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, गांव तथा मोहल्ले के लोग। ठीक है, और 66 नंबर क्वेश्चन है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, मकान में आग लगने की स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके मकान में आपके घर में भगवान ना करे आपके घर में आग लगे, ठीक है, मतलब कि बाई चांस आपके घर में आग लग जाए, तो उस समय आप क्या करेंगे, दरवाजों एवं खिड़कियों को बंद करेंगे, आग बुझाने तक इंतजार करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आप लोग अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले आप उस घर पर जो भी मतलब कि फायरिंग वगैरह होगा आग को बुझाने के लिए, वो उसका
का यूज करेंगे या फिर पानी वगैरह डालेंगे, लेकिन उस वो तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो मेन ऑप्शन में दिया कि अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे आग को बुझाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में किस आपदा में किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग, देखिए आप सभी को पता होगा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है, लेकिन इंफ्रारेड कैमरा के लिए हम किस आपदा में प्रयोग करते हैं, इसका हम लोग उपयोग जो करते हैं वो किस आपदा में करते हैं, देखिए, या भूकंप में, क्योंकि भूकंप के दिन में लोग काफ़ी नीचे दब जाते हैं, धरती फट जाती है, इधर उधर मतलब चले जाते हैं, तो इसी मतलब कि इसी कैमरा का उपयोग हम लोग भूकंप के में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मूसलन ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये किसने कहा था। तो मार्टिन लूथर किंग ने ही कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ठीक है। और शॉर्ट का आंसर बी नंबर होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है और जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक भी है वो है पटना। पटना का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति आय भी है, बिहार राज्य की राजधानी है, ठीक है, पटना। और पटना सबसे बड़ा एक नगर भी है, ठीक है। 69 का आंसर ए नंबर होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन है राजगीर, बोध गया, वैशाली, सारनाथ। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को बिहार में ही उनको हुआ था, वो भी बोध गया में, ठीक है। 70 का आंसर क्या होगा, एक्चुअल में बी होगा। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है, तो भारत में ही किया गया था, ठीक है। 71 का आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, आपका भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, एक्चुअली में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको एकदम रट लेना मुझे जबानी, ठीक है। 1854 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है 73 नंबर, डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। 73 का सही आंसर होगा सी नंबर, महाराष्ट्र में चलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है ना, सबसे बड़ा वो है उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, आपका निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग आप लोग समझते हैं ना, चीनी उद्योग हो जाएगा जैसे कि, ठीक है, तो चीनी उद्योग ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। जो बोकारो इस्पात संयंत्र कंपनी थी वो मतलब कि किस देश के मतलब कि सहयोग से खोला गया था। 76 का आंसर होगा आपका सी नंबर, रूस देश के सहयोग से, ठीक है। रूस तो हमारा बचपन का मित्र है, ठीक है, भारत का, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक या फिर गोवा। तो मुझे तो इतना पता है कि गोवा तो होगा नहीं, ठीक है, और ना ही कर्नाटक होगा। 77 का आंसर होगा तो ए नंबर होगा, उड़ीसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन या फिर वेटलैंड कन्वेंशन या फिर विश्व आपदा कन्वेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। 78 का सही हम लोग देंगे अफ्रीकी कन्वेंशन, 78 का आंसर ए नंबर अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इटली और जर्मनी के किरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इटली और जर्मनी के किरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, ऑस्ट्रिया था। आंसर होगा सी नंबर, ऑस्ट्रिया। कौन था, तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो वो भी कौन था, तो याद रखना बिस्मार्क। कौन था, तो बिस्मार्क था, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी प्रश्न बाकी था उसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव का आंसर बता ही दिया, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान देना, ठीक है, जो लोग ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं वो जरूर डाउनलोड करें, और जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाए। और हम आप सभी को बता देते हैं आपको कहां से और कैसे आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा, ताकि आप सुबह शाम वहां पर टेस्ट दे सकें, ठीक है। और वहां पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च में लिखना STUDY स्टडी प्लस, ठीक है। आप लोग स्टडी प्लस लिखकर सर्च करिएगा, ठीक है, आकर आप लोग प्ले स्टोर में, तो यहाँ पर दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए यही स्टडी प्लस का लोगो है और स्टडी प्लस का नाम है, आप इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग इसको रेटिंग देना ना भूलिएगा, ठीक है। ये इसमें खास यह बात है कि अगर आप लोग मतलब कि टेस्ट इसमें देना चाहते हो, तो टेस्ट देने से पहले आपको कुछ निर्देश दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, मतलब कि प्रश्नों को पहले पढ़ना, उसके बाद से सही उत्तर देना, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है तो आप बी भी टिक लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और मतलब कि टेस्ट देने के बाद आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, यानी कि रैंक भी देख सकते हैं कि आपका कितना में कितना नंबर सही मिला है, 15 में कितना सही किए हैं, 10 में कितना सही किए हैं और कितना परसेंटेज आपका बनाया, सब कुछ देगा। और अगर चाहते हो कि अपना रैंक भी देखे, इसमें नाम भी देखे कि मेरा नाम शो किया है कि नहीं, अगर आप लोग अच्छे टेस्ट देंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपका सही होगा तो आपका टॉप 10 में नाम भी होगा। जैसे कि यहाँ पर साइंस का जो आपका फर्स्ट टेस्ट लगा है उसमें 1000 लड़के कम से कम दिए हैं, ठीक है, और उसमें से 10 ऐसे लड़के हैं जो सभी का आंसर सही सही दिए हैं, वो भी कम समय में, ठीक है, तो उसका नाम टॉप 10 में आ चुका है। तो आप लोग भी जाइए उसमें टॉप 10 में नाम लाने का प्रयास करिएगा और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, सभी लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टॉप 10 में नाम आने का मुख्य कारण है, अगर आप सभी सही करते हैं तो अभी आप नहीं आ सकते, अगर आपका सभी सही और कम समय में देते हैं तो उसका हिसाब से आएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब कि आप जाइएगा ना तो उसमें टेस्ट दीजिएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो जितना जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ तो आपको तो मैं दे ही दिया, ठीक है। आगे की जानकारी के लिए आप लोग ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद से आपको ऑटोमेटिक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है।